अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो dancs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपनी फाइल्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं और फाइल्स को रीनेम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो पहले से क्रिएट की हुई फाइल होती हैं, हमें उनको रीनेम करने की जरूरत पड़ती है, और बाज़ूकात ऐसा होता है कि फ़ाइल की हमें ज़रूरत नहीं होती है और हम इतना ज़्यादा बर्डन नहीं रखते हैं, बल्कि उन फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, तमाम अननेसेसरी फाइल्स को। तो हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि रूबी में हम फाइल्स को रीनेम और डिलीट कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपना ज़रा रूबी शेल ओपन करें, और वहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। आईआरबी शेल में जाकर मैंने फाइल का एक ऑब्जेक्ट लिया और वहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर दी। फाइल डॉट न्यू से एक न्यू फाइल क्रिएट किया, उसके अंदर इसका फाइल नेम रखा। फाइल का नेम है फाइल _2_rename.txt, और उसका मोड जो है वो मैंने राइटिंग मोड खोला है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो है फाइल में मैं राइट करवा रही हूँ फाइल टू रीनेम देन डिलीट, और उसके बाद मैं फाइल को क्लोज कर रही हूँ अपने ऑब्जेक्ट के साथ। फाइल डॉट क्लोज फाइल ऑब्जेक्ट है और मेरे पास क्लोज जो है वो मेथड है। उसके बाद मुझे इन फाइल्स को रीनेम करना है, अगर मतलब कि मुझे फाइल डॉट रीनेम को रीनेम करना है और इस फाइल का नेम कोई और रखना है, तो मैं कमांड लिखूंगी रीनेम, फिर उसके बाद वो फाइल लिखूंगी जिसका नेम चेंज करना है, और उसके बाद वो लिखूंगी कि जिसका नेम चेंज करके जो न्यू नेम रखना है वो, मतलब ओल्ड नेम कॉमा और उसके बाद न्यू नेम। तो इस तरह से मैं अपनी फाइल्स को रीनेम कर सकती हूँ रूबी में। अगर मुझे अपनी फाइल को डिलीट करना है तो मैं सिंपल फाइल का जो फंक्शन है वो लिखूंगी, डॉट डिलीट का मेथड कॉल करूंगी, और मुझे जिस भी फाइल को डिलीट करना है मैं सिंपल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या सिंगल कोट्स में उस फाइल का नाम लिख दूंगी, और मेरे पास वो फाइल जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप रूबी में फाइल्स को रीनेम और डिलीट कर सकते हैं।